नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शवरमा के बारे में और उसके जैसे दिखने वाली एक और डिश के बारे में जिसको कि हम लोग जायरोस बोलते हैं। यहां पे जो जायरोस है उसका सही प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक ग्रीक वर्ड होता है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे याइरो होता है। ग्रीक के अंदर हमेशा जो जी है वो साइलेंट होता है, तो आप इसको याइरो YROB बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों लगभग सेम ही दिखती हैं, खाने वालों को भी पता नहीं होता कि भाई वो क्या खा रहे हैं जब तक कि वो प्रॉपरली एक मेन्यू ना देख लें। पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए, स्पेशली जो रेस्टोरेंट्स के ऑनर हैं और जो शेफ हैं उनको इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो पता होना ज़रूरी है। अब ये डिश को जानने से पहले, इन दोनों डिशों को जानने से पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये दोनों डिश आई कहाँ से। अब इन दोनों डिश का जो इजाद हुआ है वो हुआ था टर्की के अंदर, और इन दोनों डिश के बनने से पहले एक और डिश बनी थी जिसको कि हम लोग डोनर कबाब बोलते हैं। डोनर कबाब का आप बोल सकते हैं ये अलग अलग रूप बोल सकते हैं आप। 1299 में हमारे जो टर्किश एम्पायर थे जिसको कि हम लोग ओटोमन एम्पायर भी बोलते हैं, उस समय पे ये डिश बहुत ही ज़्यादा फेमस थी जिसको कि हम लोग डोनर कबाब बोलते थे। और जब उसके बाद आज़ादी मिली ग्रीक को 1832 में, तो ये जायरोस हो गया। और इसी प्रकार से जैसे अलग अलग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये जब फेमस हुआ तो उसको शवरमा बोले जाने लगा। पर यहाँ पे आप देखेंगे टर्किश सबसे पहले थे जिन्होंने कि इस डोनर कबाब को इजाद किया था, और उसके बाद वो हमारे जायरोस में तब्दील हो गया और शवरमा में तब्दील हो गया। इस समय में अगर हम लोग अभी करंट की बात करेंगे, डोनर कबाब की आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, और ये टर्की में इतना फेमस नहीं है जितना कि ये जर्मनी के अंदर है, क्योंकि बाद में आज़ादी के बाद कई सारे माइग्रेंट्स थे जो कि जर्मनी में बसे और उन्होंने वहाँ पर डोनर कबाब को बहुत ज़्यादा फेमस किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आप कोई भी मीट का टुकड़ा ले रहे हैं और उसको एक रोटी के अंदर या पीता ब्रेड के अंदर या फ्लैट ब्रेड के अंदर आप किसी को खाने को दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है मैंने आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे जो जायरोस है या याइरोस है वो ग्रीक का ही एक वर्ड है जिसका कि मतलब होता है टर्न करना। शवरमा हमारा एक अरबिक वर्ड हो जाता है जिसका कि मतलब होता है टर्न करना या पलटना उलटना आप बोल सकते हैं, और डोनर कबाब हमारे टर्किश के अंदर आता है जिसका कि मतलब होता है पलटना। अब यहाँ पे जितने भी मीट होता है उनको टांगा जाता है एक सरिये की सहायता से, और फिर फायर दी जाती है पीछे से, और धीरे धीरे करके वो घूमता है और उसके जो भी मीट होता है वो कुक होता रहता है, और जो भी शेफ़ होता है उसको काट के पीसेस काट काट के आप लोगों को सर्व कर रहा होता है ब्रेड के अंदर। अब यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम लोग ब्रेड की बात करें, तीनों के अंदर हमारी पीता ब्रेड यूज़ होती है, बट कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे जायरोस के अंदर हमारी फ्लैट ब्रेड भी यूज़ होती है। इवन अगर आप इस समय की बात करें शवरमा के अंदर भी हम लोग कभी कभी फ्लैट ब्रेड यूज़ करते हैं, पर ओरिजिनली या फिर मैं पुराने समय की बात करूँ सिर्फ जायरोस के अंदर पीता ब्रेड या फिर फ्लैट ब्रेड का इस्तेमाल होता था, बाकी सब में हमारी सिर्फ पीता ब्रेड ही लगती थी। अब यहाँ पे जो मीट होता था हमारे शवरमा के अंदर उस समय पे लैम्ब होता था, बीफ होता था और चिकन का यूज़ किया जाता था। ग्रीक के अंदर सिर्फ लैम्ब और बीफ का यूज़ किया जाता था, या फिर आप जायरोस के अंदर या गायरोस के अंदर बोल सकते हैं, और हमारे टर्की जो टर्किश डिश थी हमारी यहाँ पे डोनर कबाब, उसके अंदर आप हमारे जो चिकन भी यूज़ होते थे, वील भी यूज़ होते और लैम्ब भी यूज़ होते थे, तो उस समय थोड़ा जो मीट्स होते थे उनके अंदर भी डिफरेंस रखा गया था। अब यहाँ पे अगर मैं डोनर कबाब की बात करूँ तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के अगर आप बोल सकते थे लेट्यूस डाल दिए जाते थे, टमाटो कुकुम्बर डाल दिए जाते थे और सर्व किया जाता था। यहाँ पे हमारे जो जायरोस होते थे उसके अंदर हमारी रेड कैबिज डाली जाती थी, ठीक है जी, और हमारे जैसे कुकुम्बर हो गए, पिकल्ड वेज हो गए, उनको डाला जाता है। और यहाँ पे जो हमारे लास्ट में हमारे शवरमा होते हैं, शवरमा के अंदर हम लोग अपना हमूस डाल सकते हैं, ताबुले डाल सकते हैं, बाबा गनूस डाल सकते हैं, ठीक है जी। बाबा गनूस तो बहुत कम यूज़ होता है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ताबुले वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे सॉस के तौर पे आप हमूस का यूज़ कर सकते हो, गार्लिक मेयोनेज़ का यूज़ कर सकते हो। जायरोस के अंदर अगर आप चाहें तो ताहिनी पेस्ट, जिसको कि हम लोग सिसमी सीड का पेस्ट बोलते हैं, पैकेट में अवेलेबल हो जाता है, डब्बे के अंदर प्लास्टिक टिन के अंदर हो जाता है। और यहाँ पे जो डोनर कबाब के अंदर अपनी जो गार्लिक आयोली का हम लोग यूज़ कर सकते थे या गार्लिक मेयोनेज़,
यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के वेरिएंट होते हैं, कहीं पे कुकुम्बर डाला जा रहा है, कहीं पे कैबेज डाली जा रही है, कहीं पे पिकल्ड वेजिटेबल डाली जा रही है, कहीं पे मेयोनीज़ का यूज़ किया जाता है, कहीं पे रेड चिली जो होती है उसका यूज़ किया जाता है, स्पाइसी सॉस का यूज़ किया जाता है, पर ओवरऑल सब की सब एक जैसी ही डिश है। थोड़े बहुत यहाँ पे जो मसालों के अंदर भी फ़र्क आ जाता है, शवरमा के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्यूमिन वाला, क्योंकि ये यहाँ क्यूमिन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके अरबिक है, अरबिक के अंदर हमारे क्यूमिन आ जाता है, सिनेमम आ जाता है। वहीं अगर ग्रीक की बात करेंगे या हम लोग टर्की की बात करेंगे तो यहां पे उसके अंदर फेटा चीज यूज करी जाती है, ठीक है जी। तो अलग अलग कंट्रीज होती है, जैसे जैसे कंट्रीज होंगी वहां पे जो मेन इंग्रेडिएंट होंगे उसके हिसाब से वो चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यही कॉमन डिफरेंस है इन सब के बीच में, आप भी अपने हिसाब से बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट में खाने में टेस्टी होना चाहिए। पर एज अ शेफ़, एज ए रेस्टोरेंट ऑनर, हमको पता होना चाहिए कि भाई तीनों की चीज़ें क्या हैं। जनरली बोले तो तीनों कहाँ से ओरिजिनेटेड थी उसको समझना है, और जो बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं उनको समझना है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे फिर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, फिर नहीं जरूर लिखिएगा, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।